कहा जाता है जीतने का मजा तब आता है जब हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। कांग्रेस की ही जीत होने वाली है। 2 बजे के बाद नरेंद्र मोदी जी के नाम से शब्द प्रधानमंत्री हट जाएगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लग जाएगा अगर भाजपा इतनी सरकार में आती है। देखिए, अर्ली ट्रेंड्स पे हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे अर्ली ट्रेंड हो या एग्जिट पोल हो, ये एग्जिट होने वाले हैं। अर्ली ट्रेंड में भाजपा के खेमे में जरूर ढोल बजने शुरू हो गएंगे। भाजपा की आदत है, भाजपा बैंड भी ले आती है, बाजा भी ले आती है, बारात भी ले आती है, दूल्हा भी बिठा देती है, पर अंत में जीत की दुल्हन उनके हिस्से नहीं आती और इस बार भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को शब्द लोकतंत्र, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता से चिढ़ है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का एक सपना है कि लोकतंत्र को मोदी तंत्र और डंडा तंत्र बनाना है। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ईवीएम्स को कांग्रेस की इलेक्ट्रॉनिक विनिंग मशीन्स बताती थी और आज इनके तेवर बदले हुए लगते हैं। प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्यों चुनाव आयोग एम्पायर का रोल निभाने की बजाय आज भाजपा के 12वें खिलाड़ी का रोल निभा रहा है और भाजपा को वीवीपैट वेरिफिकेशन से इस बात का डर है, इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं भाजपा ईवीएम के जरिए जनता के ये जो मतदान को कुचलने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16.5 लाख ईवीएम खरीदी, 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया, तो क्या वो वीवीपैट मशीन घर में गमला रखने के लिए लगाई है कि इस्तेमाल करने के लिए लगाई है? तो अगर वीवीपैट वेरिफिकेशन होगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के ऑर्डर में कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक प्योरिटी है, एक फुल प्रूफ मैंडेट है। पर मैं आपको कह दूं, अब ईवीएम की बातें छोड़िए, कांग्रेस और जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन के ठगबंधन को हराने वाला है और 15 अगस्त को यूपीए का प्रधानमंत्री लाल किले पे तिरंगा लहराने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ ग्लोरियस समर फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी आर गोइंग टू एंड। टुडे आफ्टर 11 o'clock द इंटायर नेशन विल देयर बी वन वॉइस व्हिच विल एको इन द इंटायर नेशन दैट इट इज बाय बाय मोदी, इट इज बाय बाय मोदी। Do not go by the early trends. It is just the opening. Even in the past, by early trends, people had formed BJP government in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. But all that daydreaming came to an end. In the end, in the next few hours, you will realize that Narendra Modi ji has lost the tag of Prime Minister and he will be searching for the tag of Leader of Opposition. BJP is in an electoral depression, suffering from a paranoia, suffering from nervousness and hysteria. Congress party fought the entire election in the name of the people's agenda and BJP fought the election in the name of propaganda. Congress party fought the election in the name of living and BJP fought the election by dragging in the dead. So the truth is BJP is not able to come to the terms that the ship BJP has sunk with the baggage of unemployment, pakoda employment. BJP terms today stand for Berozgari, Jumla and Pakoda. And now, after today, they'll be eating pakodas using their free time after the election results are declared.